दोस्तों, जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि अब तो हल्की हल्की धूप निकलने लगी है और मौसम थोड़ा सा सही होने लगा है। तो जो एक एसी टेक्नीशियन भाई लोग हैं, वो एसी की टूल किट की पूरी तैयारी करने की स्टार्टिंग में है। तो कोई मशीन लेके आ रहा है, कोई सर्विस मशीन लेके आ रहा है, कोई जिसके पास टूल नहीं है वो टूल खरीद रहा है। तो उन भाइयों के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। हम ये अभी एक टाइगर कंपनी की जो आपकी हैमर मशीन होती है ये लेके आए हैं। तो इसको हम आप लोगों को दिखाएंगे ये क्या प्राइस में आई है मशीन और कितने वाट में है और इसका मॉडल नंबर क्या है और कहाँ से हमने ली है। ये आप लोग इसका देख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ तो इसी के ऊपर इंडक्शन दिए हुए हैं कितने वाट की है, जैसे 1200 वाट की है। मॉडल नंबर आप इसका देख सकते हैं, TGP 226 है, रोटरी हैमर है ये, टाइगर कंपनी की। ये हमारी कुछ टाइम यूज़ की हुई ड्रिल मशीन है, ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम यूज करे, इससे पहले भी हम ला चुके हैं टाइगर कंपनी की। तो जो नए टेक्नीशियन भाई हैं वो सोचते हैं कहाँ से ड्रिल हम खरीदें और किस तरीके की ड्रिल हमें अपने काम के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो उन भाइयों को हम कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो ड्रिल मशीन है इसको क्यों स्पेशली हम लोगों को खरीदना चाहिए, क्या इसमें हमारा फ़ायदा होता है और कैसी ये मशीन है। ये मशीन उन मशीनों की प्राइस में कुछ महंगी है, लगभग 800 रुपये के आसपास महंगी पड़ती है, लेकिन ये चलने में बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो देर ना करते हुए हम इसको खोल के भी दिखाएंगे। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये इसका ड्रिल मशीन का जो फोटो है, ये इस तरीके से। गारंटी तो कोई कंपनी नहीं देती है टाइगर कंपनी की, गारंटी में लेना है तो आपको लगभग 4000 प्लस जाना पड़ेगा, तब आपको गारंटी मिलेगी। 1200 वाट में है। अब इसको हम खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, ये पैकिंग बहुत अच्छी इसकी कंपनी ने कर रखी है और बॉक्स भी इसका बहुत अच्छा दे रखा है। इसको ओपन करने के लिए आप चाहे मशीन को खड़ी कर लें, हल्का सा ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे ऐसे खोल सकते हैं। तो कवर को तो हम साइड कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें टूल्स मिले हैं। ये देखिए, इसमें उल्टा सीधा होता है, जिस साइड में सीधा होता है उस साइड से आप खोलिए। ये टाइगर TM ब्रांड, इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, आपके सामने ओपन करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, इसको ओपन कर रहे हैं, ये इसमें इस तरीके के कब्जे भी आते हैं जिनसे आप बंद कर सकते हैं। देखिए आप, कंपनी ने जो बॉक्स भी दिया है बहुत सॉलिड बॉक्स दिया है, और इसके अंदर क्या क्या हमें ड्रिल मिट बिट और क्या सामान मिला है वो भी हम दिखाएंगे। एक तो सबसे पहले देखिए, ये हत्था है इसका, ये दबाव के लिए होता है मशीन में लगा के, प्रेशर दबाने के लिए। अब इसको लगता कैसे है ये भी हम दिखा देंगे आपको फिटिंग करके। ये देखिए, इसको खोलते हैं इस तरीके से, और खोलने के बाद इसमें ला के लगा देते हैं। करना है और इसको धीरे धीरे डाल देना है इसमें। ये देखिए लग गया, और इसको टाइट कर देना है आपको। अब ये कस के तैयार हो गई, आपकी मशीन चलने के लिए रेडी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल स्टॉप हो गया है जहाँ पे आपने टाइट किया है। अगर खोलना है आपको तो इसको खोल सकते हैं, ऐसे खोल के निकाल सकते हैं।
अब इसमें देखिए, ये आपके सामने नॉर्मल ड्रिल है। इसमें आप आगे एक आता है इसके अंदर जो आगे लग जाता है बर्मे टाइप का, जिससे आप किसी दीवार वाल में या लकड़ी में छेद करना हो वो लगा के छेद कर सकते हैं इस पॉइंट पे। वैसे ड्रिल इसमें नॉर्मल भी लगा के आप, लकड़ी वाली बिट बनी हुई हो आपके पास वो लग सकती है, या उसी बिट को आप आगे से लकड़ी वाली बना लें वो भी काम कर सकती है लकड़ी में छेद करने के लिए। इसके ऊपर आपकी ड्रिल मशीन भी चलेगी और प्रेशर के साथ चलेगी जो हथौड़े में, जिससे आप लोग हैमर की तरीके से चलती है, जो आपकी जैसे 6 नंबर की गिट्टी लगानी है या 10 नंबर की, हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे चलती है मशीन। और यहाँ पे जब आती है तो केवल ये हथौड़े तरीके से वार करती है, जैसे हथौड़े से आप हथौड़े छेनी का प्रयोग करते हो उस तरीके से छेनी का रूप ले लेती है। और आप इसे झिर्री भी फाड़ सकते हैं और छोटे मोटे होल मारने हो इस पॉइंट पे करके आप कर सकते हैं। ये देखेंगे आपके सामने ये इसका स्विच है जिससे हम चलाते हैं, दबाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसका, ये ऐसे दबाने पे लॉक हो जाता है, आपका ये स्विच भी लॉक हो गया, आपकी मशीन कंटिन्यू चलती रहेगी। ये इसलिए ये स्विच होता है, जैसे इसको दबाएंगे दोबारा प्रेस करेंगे ये ऊपर उठ जाएगा। देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों, ये तो आपका ये स्विच हो गया जो लॉकिंग के लिए होता है। अब ये जो पॉइंट लगा हुआ है किस लिए लगा हुआ है इसको हम बताएंगे। ये आपको लेफ्ट और राइट चलाने के लिए कि आप मशीन दोनों साइड इससे चला सकते हैं। जैसे इस टाइम पे आपके, मान लीजिए आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रही है, तो ऊपर ऐसे करेंगे तो राइट हैंड की तरफ घूमने लगेगी मशीन। ये इसलिए लगाया जाता है लेफ्ट और राइट करने के लिए। जब ये ट्रैक दबा होता है तो ये आपका आएगा नहीं पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे, हमेशा ध्यान रखें। अब इसको दूसरी साइड हम घुमा के दिखाते हैं आपको इधर क्या है। तो भी सेम सिस्टम है, कुछ प्रोसेसर लिखी हुई हैं इसके ऊपर और ये कंपनी का नाम पड़ा हुआ है, सारा कुछ डिटेल में दे रखा है। हैवी ड्रिल है, वेट में हमें लगता है लगभग 3-4 किलो के आसपास होगी, होगी वेट तो हमने किया नहीं इसका। और ये देखिए यहाँ पे ग्रिप कितनी बेहतरीन बना रखी है, किसी भी मोमेंट में करेंगे आपका ये लीड खराब नहीं होगी यहाँ से जल्दी। तो प्लग के मामले में इसका प्लग भी दिखाते हैं, प्लग भी सॉलिड बना रखा है ये देखिए, और लीड भी लगभग हमें लगता है 3 मीटर के आसपास होगी, खोलेंगे नहीं इसको। ये देखिए, खोल ही देते हैं, रुकिए आप लोग। ये देखिए हमने खोल दी, तीन मीटर तो खैर नहीं है लीड केस, समथिंग ये 1.5 मीटर के आसपास लीड है इसकी। आपको अगर काम करना है तो इसमें एक्स्ट्रा लीड आपको जोड़नी पड़ेगी। अब इसमें दिखाते हैं इसके अंदर टूल्स हमें कौन कौन से मिले हुए हैं। ये देखिए इसके अंदर, ये देख रहे हैं, ये हमारी जो होती है ये इसलिए होती है, यहाँ पे लगाई जाती है, इसको पुश करेंगे ये इसके अंदर फंस जाएगी इस तरीके से। ये होल कौन सा कितनी गहराई तक करना है उसके लिए, मेजरमेंट के लिए लगी होती है। अब ये देख सकते हैं नंबर एक पे सबसे हैवी जो बिट है इसमें, ये छेनी वाली है आपकी, जिससे आप किसी दीवार को या झिर्री को कुछ भी काट सकते हैं, इससे काफी अच्छी है। दूसरी आपकी ये सुंबी है कहीं पे होल मारने के लिए, ये कंक्रीट कोई लिंटर वगैरह है उसको तोड़ने की। और बाकी आपकी दो बिटें ये रही, एक 3 बिटें 6 नंबर की है और ये 8 नंबर की है और ये 10 नंबर की है। तो आपको टोटल इसके साथ 5 बिटें मिली हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको हम रख देंगे इसी के अंदर जैसे निकाला था तरीके से। ये जो हमारे नए एसी टेक्नीशियन भाई हैं वो यही इसी मशीन को खरीदे हैं, बहुत अच्छी है मशीन है, हमारी यूज की हुई, हम 2 साल से कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। हमारे पास पुरानी भी है जो काफी हद तक अच्छी है और बहुत अच्छी काम करती है।
अब इसको हम चला के आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कि ये कैसी कैसी आवाज है। ये देखिए नॉर्मल मोड पे है और कितनी पावरफुल आवाज के साथ चलता है। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर का फैन घूम रहा है। ये देखिए हवा काफी पावरफुल है मशीन। अब इसको दूसरे ट्रैक पे चलाएंगे हम। ये देखिए हल्का बंदा इसको संभाल नहीं सकता है, काफी वेट में और काफी प्रेशर के साथ। अब इसको तीसरे स्टेप पे चलाएंगे जो आपकी हथौड़ी है। इसमें बिट भी लगा के आपको दिखा देते हैं किस स्टेप में ये घूमती है। देखिए ये तो हमने नॉर्मल लगा दी। ये देखिए फंस गई। और ये किस तरीके से वर्क करती है हम दिखाएंगे थोड़ा सा। दूसरे स्टेप में देखिए तीसरा स्टेप जो है आपका ये देखिए। तीनों स्टेपों में आपने देख लिया। तो दोस्तों आपको अगर एसी के काम के लिए उपयोग करना है तो ये मशीन ला सकते हैं और इसमें जब भी बिट लगाएं तो इसको मशीन को ऐसे करके आप लोग ऊपर की साइड तरफ इस तरीके से और ऐसे घुमा के ऐसा पुश करेंगे बैठ जाएगी, लेकिन निकलेगी नहीं ऐसे मशीन आपकी। जब भी बिट को निकालना हो तो आपको इसको ऐसे पहले अंदर पुश करना पड़ेगा फिर निकलेगी। ये देखिए तो इस तरीके से बिट निकाल सकते हैं। जो हमारी 2 साल पुरानी मशीन है उसका भी किसी दिन हम रिव्यू दिखाएंगे आपको कि कैसी हो गई और चलने में कैसी है आज के टाइम पे। तो दोस्तों एसी का टाइम आ चुका है और आप लोग टूलों की तैयारी कर लें, क्योंकि जब सीजन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं हमें, क्योंकि उस टाइम पर हमें जल्दी जल्दी में कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास इतना काम होता है कौन सी मशीन लें कहाँ से लें। ये हमने दिल्ली में उत्तम नगर एक शॉप है बंसल ट्रेडर्स के नाम से, वहाँ से हमने ली है। एक पंचशील 2 है वहाँ पे, तो अगर आपको लेना हो तो हम वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। और ये हमें 2,550 रुपये की पड़ी है, लेकिन जो भाई साहब जिनसे लिया था हमने मशीन ये, तो उन्होंने 50 रुपये डिस्काउंट कर दिया हमें, ये 2,500 रुपये की दी है। और इसमें जो नॉर्मल मशीन अब आ रही है टाइगर कंपनी की, तो उनके पास अवेलेबल है 1,700 रुपये की। और उस मशीन की खास खूबी अब नई आ गई है कि ये जैसे आप लेफ्ट राइट ये मशीन आपकी घूमती है दोनों साइड को, इसको हम चला सकते हैं यहाँ से अप एंड डाउन करके। तो उसमें क्या सिस्टम है, इसके ऊपर ही यहाँ पे एक इस तरीके का पॉइंट बाहर निकला हुआ है जिसको आप इस साइड कर देंगे तो लेफ्ट को और दूसरी साइड कर देंगे तो राइट को। उसमें आप कंपनी वालों ने अपग्रेड कर दिया है स्विच में, जिससे आप उस मशीन को दोनों साइड चला सकते हैं। उसमें आपको एक ये और ये 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 टाइप में वो चलती है, तीसरा ये पॉइंट नहीं मिलेगा उसमें। तो आपको जब ख़रीदना ही है और एसी का काम ही करना है तो आप लोग जब भी लें तो 500-600 रुपये का वो 1,700 रुपये की है और ये 2,500 रुपये की, तो 800 रुपये के फ़र्क के लिए आप इतनी सस्ती वो मशीन मत लाएं। वो काफ़ी हल्की भी है और ज़्यादा लोड झेलती भी नहीं है, क्योंकि उसको मैंने लगभग 2-3 साल यूज किया है और वो जब ज़्यादा लोड आप काम करेंगे तो दिक्कत करने लगती है, सही तरीके से प्रेशर नहीं लेती है और दूसरी बात गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आपको जब काम करना ही है तो एक अच्छी मशीन लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत ना करे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों
बाय बाय। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक कीजिए। कोई आपको दिक्कत अगर हो एसी में फ्रिज में तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप उस पर रिपेयरिंग कर पाएंगे। लेकिन गर्मियों के टाइम दिन में कॉल मत करें, मैसेज आप छोड़ दें, रात में जब हम मैसेज देखेंगे तो आपके मैसेज का जवाब हम ज़रूर देंगे। उस दिन नहीं होगा तो नेक्स्ट डे ज़रूर आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी हम करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।